अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसहाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज हम लोग कंप्यूटर के पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने देखा है कि पहले हमने कुछ ऐसी वीडियोज अपलोड की हैं जो कि पेपर से रिलेटेड थी, 10th क्लास की एग्जाम चल रहे हैं और उसमें हर एग्जाम से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। तो अब बारी है कंप्यूटर की, फाइनली कंप्यूटर का पेपर आ गया है, कंप्यूटर के बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले कंप्यूटर के इस बुक का पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर जो है वो ये जो पुरानी बुक थी उससे होते रहे, ये बुक इस दफा चेंज हुई है, तो इस वजह से इसका पेपर पहले से नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता चल रहा, क्योंकि पास पेपर तो है नहीं हमारे पास और जो मॉडल पेपर आते हैं वो भी एक गैस के तौर पर काम नहीं करते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन किस तरह आएंगे और किस तरह की पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग आप लोग समझ लेंगे तो उससे आपको काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस के नाम भी बताऊंगा मैं और क्वेश्चंस दो तरह से मैं बताऊंगा किस तरह से आपने तैयारी करनी है। एक वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं उनके अकॉर्डिंग, और दूसरी जो है जो कहते हैं कि हमने पास होना है या किसी तरीके से समझ रहे हो ना, तो उस तरह के से हम लोग काम करेंगे। तो बाकी सबसे पहले हम पेयरिंग की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो कन्फ्यूजन में ना रहे और हम लोग आगे इसको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग की तरफ चले, तो पेयरिंग में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज के बात आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होगा, ये मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 पाँच चैप्टर्स हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, और उसमें से भी कुछ 3 तक जो है ना वो अच्छे चैप्टर जो है ना वो आपको तैयार करवाएंगे। अच्छा, एमसीक्यूज की बात करते हैं तो पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, सेकंड में से 2, तीसरे में से भी 2, चौथे में से भी और पांचवें में से 3 एमसीक्यूज आएंगे और 10 एमसीक्यूज टोटल मार्क्स हमारे पास यहाँ पे इसके 10 कंप्लीट होंगे। ठीक है, अच्छा, अब 10 मार्क्स 50 में से निकलेंगे, 17 वाला पास थे, 33% हमने करना है तो वो वाला पास है। लेकिन मैं बार बार कहूँगा 17 का टारगेट नहीं रखना, टारगेट ऊपर रखना है ताकि आप 70 तक पहुँच सकें, तो ये आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है, 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ठीक है, अब इसमें यह है कि चैप्टर वाइज ने उसको पेयर किया हुआ है, 1 और 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन फर्स्ट में से आएंगे, सेकंड में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, 6 के 6 नहीं करने आपने, 3 क्वेश्चन किए 6 हो जाएंगे, लेकिन 6 के 6 नहीं करने आपने, 4 करने हैं, बड़ा सा काम है, आप 3 इसमें से कर लो, 1 इसमें से कर लो, यानी कि वो मतलब आपने सिलेक्ट करना है, तो 6 में से आपने 4 करने हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे कंप्लीट। पहले 2 चैप्टर्स में आपके पास 1 एमसीक्यूज होंगे और 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें से 4 करने हैं और इसमें से आपने 3 एमसीक्यूज कर लेने हैं। अगले पार्ट की तरफ चले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से और 2 क्वेश्चन आएंगे 4 चैप्टर में से, तो ये भी आपके 6 क्वेश्चन 6 नहीं करने हैं, 4 करने हैं और उसमें टोटल मार्क्स हमारे पास 8 बन गए। अब आगे चले अगला शॉर्ट क्वेश्चन के बाद, लास्ट पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 2 इसमें से आएंगे और 4 जो है वो हमारे फिफ्थ चैप्टर में से आ जाएंगे, तो 4 और 2 6 फिर से शुरू होंगे, यानी कि 4 फोर्थ चैप्टर में से सेकेंड 2 क्वेश्चन और फिफ्थ चैप्टर में से 4 क्वेश्चन, 6 पूरे हो गए, 4 ही आपने करने हैं, 8 नंबर आपके यहाँ पे भी पूरे हो गए। तो अगर हम लोग अभी बात करें तो 34 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 2 करने हैं और वो 2 आपकी चॉइस आपको जो भी करना चाहें। सबसे पहले हम लोग बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट चैप्टर मुझे लगता है कि पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, थियोरेटिकल है, सारे प्रैक्टिकल पेपर आएगा इसके अंदर से फर्स्ट चैप्टर के अंदर से, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोग्राम फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, सेकंड में भी कोई प्रोग्राम नहीं है, थोड़े से समझाने के लिए उसमें थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज में प्रोग्राम नहीं आने वाला। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो भी हमारा सेकेंड चैप्टर में से आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो उसने बड़ी ही आसानी कर दी है बच्चों के लिए, उसने कहा है कि 7th क्वेश्चन जो है जो हमारा थर्ड लॉन्ग बनता है वो हमारा आएगा फोर्थ चैप्टर में से। अब ये भी नहीं कहा पूरा चैप्टर करना आपने, उसने 2 पार्ट्स बनाए, लूप का पार्ट और अरे का पार्ट, अरे वाले में से लॉन्ग नहीं आ रहा, इतनी आसानी उसने कर दी बच्चों के लिए कि इसमें से लूप वाले पार्ट में से जो है ना वो आपका बनेगा, लूप का स्ट्रक्चर आ सकता है। अब उसने ये भी कहा, उसने कहा या तो लूप का स्ट्रक्चर आएगा या उसमें से प्रोग्राम आ जाएगा, इतनी आसानी मुझे नहीं लगता किसी पेपर में उसने की होगी। ठीक है, तो ये लूप वाले पार्ट में से क्वेश्चन आना है, अब इसमें थ्रेटिकल भी आ सकता है, स्ट्रक्चर लूप का आ सकता है या फिर प्रोग्राम आ सकता है। ठीक है, तो प्रोग्राम इसमें से पक्का मैंने कहूँगा, देखिए प्रोग्राम जो बनते हैं 4.5 से लेकर 4.10 तक अगर आप बहुत
अच्छे से प्रोग्राम्स कर लेते हैं तो बड़े आपके क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपके 3 questions कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का तो मैं बाद में आइडिया दूंगा आपको, लेकिन अभी लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो मेन मुझे नजर आते हैं वो सबसे पहले जो आता है IDE वगैरह और इसके अंदर प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट जितना भी है, IDE, टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर, पहला लॉन्ग इसका ये बन जाता है। दूसरा लॉन्ग आता है इसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर हेड सेक्शन आ जाता है, बॉडी सेक्शन आ जाता है, मेन बॉडी आ जाती है, मेन फंक्शन आ जाता है। उसके बाद तीसरा लॉन्ग जो बनता है इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के दरमियान में डिफरेंस या फिर रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब वेरिएबल का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉन्ग बनता है, इसके अंदर से कुछ पार्ट्स बनेंगे और वो लॉन्ग के तौर पर आपको दे सकते हैं, जैसे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आ गया या डिक्लेरेशन वगैरह या इनिशियलाइजेशन वगैरह आ जाता है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूरे चैप्टर की बात करूँ, तो आपको सबसे पहले जो करना है, आपने प्रायोरिटी वाइज करना है इसको, और सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो होगी समरी की, जो एंड पे आपके चैप्टर के एंड पे समरी दी होती है उसको सबसे पहले आपने करना है। जब आप वो कर लेंगे उसके बाद आपने बाकी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है जो आपके चैप्टर के अंदर से बनने होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन की सबसे अच्छी स्कीम जो मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि समरी को सबसे पहले करें, ठीक है, क्योंकि समरी के अंदर मोस्टली वो चीजें लिखी है जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज बन जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम जो है उन्होंने आपको बता दिया, पेरिंग के अकॉर्डिंग आपको उसको देख लेना है। सेकंड चैप्टर के अंदर आएंगे, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, शायद ये आ जाएगा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो मुझे लग रहा है ये आएगा, गेट सीएच और स्कैनर के दरमियान में डिफरेंस क्या, ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इसका बन रहा होगा इसके अंदर ऑपरेटर्स के अंदर से, ठीक है, ऑपरेटर्स जो है वो इसमें आ जाता है, 4 operators इन टोटल, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स और इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। अब सारे ऑपरेटर्स नहीं आने वाले, बच्चे घबराए ना, ठीक है, मैं आपको वो बताऊंगा। अब इसमें से ना दो दो ऑपरेटर दे देंगे, यानी कह देगा अरिथमेटिक या लॉजिकल में डिफरेंस बता दो, इसी तरह दो दो पे डिफरेंस वो बता देगा, तो इस तरह इतना लंबा लॉन्ग आपको नहीं आने वाला, इतने से लॉन्ग में आपको काम हो जाएगा, ठीक है। दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसके अंदर। दूसरे चैप्टर के अंदर और जो छोटे मोटे लॉन्ग है जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, एस्केप सीक्वेंसेस हो गया, ये आप लोग वैसे करने ला, लेकिन ये एंड पे करने हैं, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सबसे पहले करें और जो बाकी रह जाते हैं जब आप लोग कंप्लीट हो जाए तो वो आप लोग कर लें। तो ये सारा का सारा ऐसा ये आपके 16 marks का हो गया और टोटल आपके 50 marks हो गए, 50 में से आपने 17 पास के लिए रखे हैं। फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि 17 का टारगेट नहीं रखना है, 17 से ऊपर का रखना है अगर आपने पास होना है, ठीक है। और जो बच्चे फुल मार्क्स लेना चाहते हैं वो हर एक चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से करें, कोई चीज़ ना छोड़ें और पेपर को बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें। अब अटैम्प्ट करने की बात, बस उसको खत्म करके फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। अटैम्प्ट किस तरह करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन जब करने हैं, MCQs तो सब सारे के सारे करते होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं तो लेकिन आपने करने तो हैं, लेकिन आप लोगों ने इस तरह करना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं वो आपने पहले करने। जैसे मैं कहूँगी अगर ये पार्ट, सिर्फ एक पार्ट की बात करता हूँ, इसमें से 6 questions आने हैं, 4 आप लोगों ने करने हैं, वो 4 सबसे पहले करें जो आपको आते हैं, जो बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपको पता है कि आज में पूरे मार्क्स आएंगे। फिर एक्स्ट्रा वो करें जो कि आपको डाउट है थोड़ा सा कि नहीं मुझे लगता है कि आ जाएंगे 2 नवंबर, लेकिन कट भी सकते हैं, तो वो 2 एंड पे करें आपको, ठीक है, ताकि अगर एग्जामिनर को पहले 4 में पूरे मार्क्स नजर आ गया तो वो इतना फेडअप नहीं होता और आपको मार्क्स नहीं काटता, तो वो आपको पूरे पूरे मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी पूरी तैयारी करनी है। कंप्यूटर का मुझे लगता है कि पेपर इस्लामियात के बाद सबसे आसान पेपर कंप्यूटर का होता है, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो और आसान हो जाएगा। घबराना नहीं है आपने, मैं फिर से वही बात करूंगा, मैं वो वाला घबराना कह रहा हूँ, वाकई नहीं आप लोगों ने घबराना। तो इस तरह से आप इसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं या किसी भी तरीके से हमें ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट करें, हमारे पेज पे जाके आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियोस को और दूसरी वीडियोस के बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं जो हमने पहले से बना दिया, और आगे जितने भी पेपर होने वाले हैं हम उनके बारे में वीडियोस बनाने जा रहे हैं। आगे 9th class का पेपर होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब क्लासेस की वीडियोज बनेंगी, तो जिनके अभी जो इससे रिलेटेड वीडियोज देख रहे हैं तो उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है या इससे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस उनको मिल जाए। अगर कोई सेकंड ईयर से है, कोई फर्स्ट ईयर से है, कोई 9th से है, सबको वो वीडियोस मिलेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।